दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बनवार। अब तो जमाना सेल्फी का है, कोई आदमी कहीं जाए सबसे पहले सेल्फी लेता है। कई बार तो मैं देखती हूँ लोग घर से बाहर निकलते ही इसलिए हैं, घूमने जाते ही इसलिए हैं, या कोई काम करते ही इसलिए हैं कि वो फोटो ले सके, सेल्फी ले सके। लेकिन इस सेल्फी कल्चर में भी राजनीति अगर मिला दी जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? दोस्तों हमारे देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये वो जगह हैं जहाँ देश का भविष्य तैयार होता है। देश के युवा 12th पास करने के बाद कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, उनके अपने सपने होते हैं और उन सपनों को एक तरह से आकार देते हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हर धर्म के, हर जाति के, हर विचारधारा के लोग रहते हैं। लेकिन ये खबर आपको हैरान कर देगी जिसमें UCG ने देश के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मोदी सेल्फी पॉइंट लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि आदेश आज नहीं आए, लेकिन आज ये खबर अचानक लोगों की नजरों में आई जब पता चला कि 3 ऐसी विश्वविद्यालय हैं, 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। वो है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, इंग्लिश इन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और हैदराबाद विश्वविद्यालय। अब आप मुझे बताइए कि आपके घर के बच्चे या भाई बहन किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सेल्फी लेने जाते हैं या अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं या अपना भविष्य बनाने जाते हैं? इतना पैसा खर्च करके लोग अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ वो किसी नेता के साथ सेल्फी ले सकें। ये सेल्फी पॉइंट वाला जो आइडिया है कॉलेजेस के अंदर, ये उसी जी को किसने दिया? मोदी जी के सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए देश में बहुत सारी जगहें, बीजेपी दफ्तर छोड़िए, ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक स्थान मिल जाएंगे हमारे देश में। जगहों की कमी थोड़ी है, कहीं भी मोदी जी का सेल्फी पॉइंट लगा लीजिए। जिसको सेल्फी लेनी होगी वो ले लेगा, जिसको नहीं लेनी होगी वो नहीं लेगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज के अंदर जहां केवल और केवल छात्रों का ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, वहां सेल्फी पॉइंट लगाए जा रहे हैं। मतलब UCG अपने बच्चों को से कह रही है क्या कि पढ़ाई लिखाई आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, सेल्फी खींचना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात है, फैसला अनिवार्य कैसे हो सकता है? मतलब आप कंपल्शन कैसे कर सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी को ये करना ही करना होगा? दोस्तों प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, राजनीतिक दल भी हमारे देश में कभी कोई उफान पर होता है, कभी जनता उसको नकार देती है, लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और उनका कल्चर वो हमेशा रहता है। चाहे कोई कुलपति आए जाए, कोई विचारधारा आए जाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज में मोदी जी का सेल्फी पॉइंट बनाकर क्या खुलेआम इस देश में अब शिक्षा का एक तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है? दोस्तों ऐसा कतई नहीं है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें नहीं है, उनकी मूर्तियां नहीं है। बिल्कुल है, उनके नाम पर कॉलेजेस हैं कुछ तो। लेकिन एक जीवित प्रधानमंत्री जो अभी तक सत्ता में है, जो प्रधानमंत्री के आने वाले 2024 के चुनाव में भी अपनी पार्टी की तरफ से दावेदार है, उनके लिए इस तरह के सेल्फी पॉइंट बनाना खुलेआम देश में शिक्षा का राजनीतिकरण करना नहीं है तो और क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।